वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले भाई जॉन सिन्हा के बारे में। जॉन सिन्हा स्पॉट होते हुए दिखा दिए अंबानी जी के शादी में। आए हाय, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे भाई। सर्वाइवर सीरीज हमें कहाँ पर देखने को मिल सकता है, इसका जो कि ऑफिशियली हमें मतलब कौन सी जगह पे देखने को मिल सकता है, कब तक होगा, इसको लेकर कुछ ऑफिशियल्स तो नहीं है, बट जो रिपोर्ट्स है उसके बात करेंगे। ब्रॉक लेस्नर क्या हमें रॉक का जो नेटफ्लिक्स पे शो स्टार्ट होने वाला है उससे पहले ही देखने को मिल जाएंगे, उसमें देखने को मिलेंगे, क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में भी कवर करेंगे, और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख सकते हो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो चलते फिर टॉपिक पर आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने द फेनोमिनल वन एजी स्टार्स को लेकर। सो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एजे स्टार्स का जापान के अंदर मैच कंफर्म किया गया है। NAOH जो प्रमोशन है उस प्रमोशन के अंदर हमें यहां पर मैच देखने को मिलेगा द फेनोमिनल वन एजे स्टार्स का। तो आज एजे स्टार्स हमें वहां पर स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलते हैं, और एजे स्टार्स का जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हो तो एजे स्टार्स भाई रेडी हो चुके हैं अपने टूर के लिए, जो कि उनका हमें जापान में मैच देखने को मिलने वाला था। तो ऑफिशियली ये मैच कंफर्म है, और ये मैच में देखते भाई हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ मजा आता है। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है लाना को लेकर। सॉरी, लाना जो हमें देखने को मिल रही थी अभी तक, जो कि WWE के छोड़कर ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर, बट लाना अभी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है वापस WWE या फिर किसी इंडी प्रमोशन के अंदर, क्योंकि लाना को अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ है ऑल एलीट रेसलिंग के साथ में, जिसकी वजह से लाना ने छोड़ दिया है ऑल एलीट रेसलिंग या AEW को उन्होंने छोड़ दिया है। इनके जो रिलेशनशिप है ऑब्वियसली मीरो के साथ में सही नहीं चल रहे हैं, एंड उनको लीव करने के बाद इन्होंने AEW को भी छोड़ दिया। सो लेट्स सी अब लाना कहाँ पर नेक्स्ट कदम रखती है, क्या वो इंडी शो होगा या फिर कुछ और ही शो होगा या फिर ओनली फैंस भी हो सकता है, मतलब देखते हैं क्या होता है लाना का अगला। वैसे ओनली फैंस पे तो ऑलरेडी है ना। हाँ, तो ये भाई लाना की अब जर्नी यहाँ पर ख़त्म है समझो, बट स्वाहा हो गया यहीं पे। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है पॉल हेमन को लेकर। सो पॉल हेमन का एक हमें WWE वेबसाइट पर WWE.com पे एक फोटो देखने को मिलता है, जिस फोटो के अगर वेबसाइट पर चेक करोगे तो वहाँ पर रोमन देखने को मिल रहा है। तो भाई WWE यहाँ पर ऑलरेडी रोमन एंड जो पॉल हेमन है इनको एक साथ रख रही है, और इस वेबसाइट से क्लियरली वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई रोमन रेंस एंड पॉल हेमन दोनों एक साथ ही है, चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो वो हमें एक ही साथ ही देखने को मिलेंगे। और स्पॉयलर्स ये है कि भाई आने वाले समय में जब भी रोमन रेंस एंड जो हमें यहाँ पर पॉल हेमन है होने वाले हैं वो एक साथ आएंगे, और जैसे ही आएंगे न्यू ब्लड लाइन की तो भाई तहस नहस यहाँ पर तहलका मचा देंगे, और लेट्स सी वहाँ पर हमें क्या कुछ होते हुए दिखाई देता है न्यू ब्लड लाइन को, कैसे उनको ब्लड लाइन से जब ब्लड लाइन कहते हैं और अलग करते हैं उनको, कैसे तोड़ते हैं, कैसे मारते हैं, वो सारी चीज़ें एक्चुअली देखने में मजा आएगी जिस तरीके से स्टोरी यहाँ पर ये लोग बनाने वाले हैं। आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक इट, बट लेट्स सी वो कैसी सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। बट मुझे तो चाहिए पर्सनली यहाँ पर रिवेंज, और वो रिवेंज रोमन रेंस का होना चाहिए बहुत तगड़ा सोलो सिकोवा के साथ में, एंड जिससे सोलो सिकोवा भी एक बहुत बड़े स्टार बिल्ड होते हुए दिखाई दे जाए। लेट्स सी WWE कैसे इन सारी चीज़ों से डील करती है। बाकी बात लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर्वाइवर सीरीज 2024 को लेकर। तो सर्वाइवर सीरीज 2024 को भी लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि भाई ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, कब तक पॉसिबल है। पॉसिबल तो ऑब्वियसली वो नवंबर के मंथ में ही देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि जो नवंबर का एंडिंग है उसके आसपास हमें यहाँ पर इसका डेट्स कंफर्म होते हुए दिखाई दे जाए। बट रिपोर्ट्स ऐसी भी देखने को मिली कि सर्वाइवर सीरीज 2024 में जो WWE है वो इंस्टीट्यूट डोम लॉस एंजलिस यानी कि LA में करवाते हुए दिखाई देने वाली है, और कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूट ऐसा ही कुछ नाम यहाँ पर डोम का है, उस डॉम के अंदर पॉसिबली हमें ये सर्वाइवर सीरीज 2024 का प्लान बना रहे हैं। अब लेट्स सी एक्चुअली में कैसे क्या कुछ होता है भाई। सर्वाइवर सीरीज का ऑफिशियली अनाउंसमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा, बट यहाँ पर एक स्पॉइलर कह सकते हैं कि हमें सर्वाइवर सीरीज कहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो हो सकता है LA यानी कि लॉस एंजलिस में। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और आई होप सो लॉस एंजलिस में होगा तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड आई होप सो कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज के अंदर जो कि WWE यहाँ पर फैंस चाह रहे हैं, स्पेशली ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, लेट्स सी क्या होता है। बाकी बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट हमें यहाँ पर जॉन सीना से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। सो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना
अनएक्सपेक्टेडली भाई वो हमें आते हुए दिखाई दे चुके हैं भारत यानी कि अपने इंडिया में, और उनका भाई फोटो वीडियो का सब कुछ स्पॉट होते हुए दिखाई दिया है, बट वहाँ पर जॉन सीना दिख नहीं रहे, एक्चुअली में वो दिख रहे हैं। हाँ भाई, यू कान सी हिम बट ये सी हिम वी सी हिम, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जॉन सीना आए हैं अंबानी की वेडिंग अटेंड करने। वाओ, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है भाई। जॉन सीना वो भी हमें यहाँ पर अंबानी की वेडिंग में देखने को मिल रहे हैं। और यही नहीं, और भी बहुत कुछ हुआ भाई। मैं कुछ फोटोज़ वीडियोज़ ट्विटर पर काफ़ी वायरल जा रही है जिसमें जॉन सीना ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, भंगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू कान सी मी वाला भंगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लिटरली तुम लोग देख सकते हो। वाओ, जॉन सीना भाई ऐसे ऐसे मूव्स कहाँ छुपा के रखे थे, और वो चीज़ें अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब भाई जॉन सीना को पैसे दिए गए हैं, अब वो क्या क्या करेंगे वो तो वही जाने, बट वेडिंग बहुत ही बढ़िया है वैसे तो। देखते हैं जॉन सीना भाई क्या कुछ करते हुए दिखा देते हैं। जॉन सीना का ये कुछ भाई हमें हाल देखने को मिल रहा है। सही है यार, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जॉन सीना मेरे घर पे आके नाच के जाएगा यार। कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। और ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर भाई साहब, इनका रिटर्न होगा क्या नेटफ्लिक्स के रॉ के दौरान या फिर नहीं होगा, कब होगा, क्या WWE यहाँ पर नेटफ्लिक्स का जो शुरुआत करेगी वो रॉ में ब्रॉक लेसनर से ही करने वाली है, तो इन सारी चीज़ों का जवाब यहाँ पर डेव मिल्टजर, हमारे प्यारे डेव मिल्टजर ने दिया है। जहाँ पर उनका ये कहना है कि भाई देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देता हूँ, WWE रॉ की शुरुआत बहुत धमाकेदार करने वाली है जॉन सीना के साथ में एंड दो तीन और बड़े सुपरस्टार्स के साथ में, बट उनमें से मेक श्योर मैं करता हूँ कि ब्रॉक लेसनर हो सकते थे बट नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो लॉ सूट है वो अभी एंड नहीं हुआ है डेव मिल्टजर के अकॉर्डिंग। और जब तक वो लॉ सूट एंड नहीं होता तब तक उनको नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर का कुछ इन्वॉल्वमेंट रॉ के नेटफ्लिक्स पे जाने पे और इतना बड़ा शो स्टार्ट करने से, किक ऑफ करने से नेटफ्लिक्स पे रॉ का, उसमें हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में कुछ होने वाला है। मे बी बाद में जाके जब ब्रॉक लेसनर फ्री हो जाए इन सारे लॉ सूट से तब जाके हमें शायद देखने को मिले, बट स्टार्टिंग में तो कोई प्लान नहीं है और ना ही हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि क्लियरली ब्रॉक लेसनर नहीं होने वाले हैं। या दैट्स हेड ब्रो, बट क्या कर सकते हैं, इंतजार बस ब्रॉक लेसनर का। और वंस मोर हैप्पी बर्थडे टू ब्रॉक ब्रॉक ब्रॉक। आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया सौ फेरा दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।